हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड एक ऐसी कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपके भी व्हाट्सएप पर आपका दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इंग्लिश में चैटिंग करती है, आप उसे इंग्लिश टू इंग्लिश चैटिंग नहीं कर पाते हैं, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है या आप इंग्लिश में कमजोर हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर एक ऐसा कमाल का तरीका बताने वाला हूं जहां से दोस्तों आप अपने दोस्त की इंग्लिश को आप हिंदी में पढ़ सकते हो और आप हिंदी में लिखोगे उसे आप अपने दोस्त को इंग्लिश में उसे सेंड कर सकते हो। हाँ दोस्तों, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां से दोस्तों आप अपने दोस्त की इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो और अपनी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने दोस्त को सेंड कर सकते हो। तो ये दोस्तों आप कैसे कर पाओगे, तो वीडियो को आप पूरा का पूरा देख लीजिए और आपको भी पता चल जाएगा कि आखिरकार व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश चैटिंग कैसे कर सकते हैं। और आपका दोस्त सोचेगा कि यार हमारे दोस्त को इंग्लिश इतनी इंग्लिश कैसे आने लगी, आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से जो वीडियो आप देख रहे हो सबसे पहले आपको उसे लाइक कर देना है। यहां से आपको लाइक का बटन मिलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आएगा बेल आइकन घंटा, आप उस पर टच करके ऑल पे सेट कर लीजिए। इतना काम करने के बाद ये वीडियो आपको जैसा लगे आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों आप यहां पे नाइस वीडियो या सुपर वीडियो या यूजफुल वीडियो आप लेके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज दोस्तों आपको करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस एप्लीकेशन का नाम है ही डिक्शनरी। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहां पे आपको कुछ सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां से ध्यान से देख लेना है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का आइकन। तो सबसे पहले आपको इसे इनेबल कर लेना है। जैसा आप इसे पे टच करोगे तो ये आपके मोबाइल फोन पर इनेबल हो जाएगी और यहां से आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। बस इतना काम करने के बाद आपको यहां से देखने को मिलेगा फ्रेंड्स लैंग्वेज का ऑप्शन। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको यहां इंग्लिश डाल देनी है, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपका फ्रेंड इंग्लिश में कुछ मैसेज भेजेगा तो उसे आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से आपको इंग्लिश डाल देना है। जैसा दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहां पे आपको बहुत सारा लैंग्वेज मिलेगा, तो यहां से आपको इंग्लिश चूज कर लेना है। जैसे मैंने यहां पे इंग्लिश चूज करके रखा है। तो बस इतना काम करने के बाद आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अब दोस्तों आपको चले जाना है अपने व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर जाने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चैटिंग कर सकते हो इंग्लिश टू इंग्लिश। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने यहां पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमें नहीं पता है कि हमारे दोस्त ने ये क्या भेजा है इंग्लिश में, क्योंकि हमें इंग्लिश इतनी नहीं आती है, इंग्लिश का अर्थ हम इतना नहीं निकाल पाते हैं कि इसका अर्थ हिंदी में हम जान सके। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको करना क्या है, जो आपके मोबाइल फोन पर ये पॉपअप आया है आपको इसे लेना है। लेने के बाद आपके दोस्त ने जो इंग्लिश में मैसेज भेजा है आपको उस पर ले जाना है। जैसे आप वहां पे एक सेकेंड या दो सेकेंड उस पर रोकेंगे, उसके बाद जो दोस्तों आपके दोस्त ने जो मैसेज भेजा है वो पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमारे भेजा है आप क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू डू, यानी कि हमको इसका हिंदी अर्थ तो पता नहीं था, हम इस पॉपअप की मदद से इसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं, आप क्या करते हैं। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप अपने दोस्त को इसी का अर्थ आप हिंदी में लिखोगे तो इसका इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको करना क्या है यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे हमारे दोस्त ने पूछा था घर पर हो, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं घर पर हूं अभी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है हाँ मैं आज घर पर। जैसा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया हाँ मैं अभी घर पर हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया मैं हाँ मैं घर पर हूँ। तो आपका जो ऊपर देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, यस आई एम एट होम नाउ, यानी कि मैं अभी घर पर हूँ। तो आप दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसे जैसे ही सेंड कर दोगे तो आपके दोस्त के पास इंग्लिश टू इंग्लिश मैसेज पहुँच जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा कि आपने इसे कॉपी किया है या आपने कहीं पर पेस्ट किया है, तो आप उसे इंग्लिश टू इंग्लिश मैसेज भेज सकते हैं। या दोस्तों आपको यहाँ पे विश्वास नहीं है कि आखिरकार सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप इस पे यहाँ पे इसे करके आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पे देखने को मिलेगा हां मैं अभी घर पर हूं, यानी कि ऐसे दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ कुछ भी चैटिंग कर सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। जैसे दोस्तों आप सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा सेंड करूं, जैसे मैं पूछता हूं अपने दोस्त के साथ आई हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो, तो मैं यहां पे लिखूंगा मेरी मदद करो, आपको यहां पे इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आप अपने दोस्त को यहां पे लिखोगे, तो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं मेरी मदद करोगे,
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मेरी मदद करोगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंग्लिश उसका ट्रांसलेट हो चुका है, विल यू हेल्प मी, यानी कि आपको कहीं पर भी कुछ भी कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने दोस्त के साथ यूं ही इंग्लिश टू इंग्लिश चैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और तरीका आपको बता दिया हूँ जो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगा, जो आपके मोबाइल फोन पर यह स्क्रीन का जो पॉपअप आपको देखने को मिलेगा इसका दोस्तों आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी भी ब्राउजर पर हैं वहाँ पर आपको कुछ इंग्लिश में देखने को मिल जाता है लिखा हुआ, तो उसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके उसका पूरा का पूरा अर्थ निकाल सकते हैं और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिरकार इसका हिंदी अर्थ क्या है जो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इसको इस पॉपअप को यहां पे करूंगा, ये टुडे लिखा हुआ है, इसका हिंदी का अर्थ आपको देखने को मिलेगा आज, यानी कि टुडे के मतलब है आज। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये वर्क करता है। आप इस ट्रिक से दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन पर इंग्लिश टू इंग्लिश चैटिंग भी कर सकते हैं, कहीं पर भी चैटिंग कर सकते हैं। या दोस्तों आपके पास कोई ऐसा पेज आ जाता है या कोई ऐसी वेबसाइट आ जाती है इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखी हुई, तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आप उसे पूरा का पूरा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार इंग्लिश से लिखे हुए किसी भी पेज को या अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे चैटिंग करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।